हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे गज करनी क्रिया का अभ्यास, अर्थात कुंजल क्रिया का अभ्यास। कुंजल क्रिया का अभ्यास इस ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने पूरे स्टमक की क्लीनिंग करते हैं, अर्थात हम जिससे हमारी पूरी बॉडी क्लीन हो जाती है। पेट की कोई बीमारी नहीं होगी तो हम पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, इसलिए कुंजल क्रिया का अभ्यास आप रोज कीजिए। मेरे फ्रेंड्स के कहने पर मैंने पहले भी गज करनी क्रिया का की वीडियोज़ डाली हैं और अभी मैं फिर से ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने लिया है एक जग भर कर पानी का, और ये मैंने ग्लास में भी पानी लिया है, और हम स्टार्ट करेंगे इसको पीना, ठीक। सबसे पहले हम उकड़ू बैठ जाएंगे, उकड़ू बैठ के ही पानी पीना है। मैंने अपना कैमरा सेट कर दिया है और मैं पानी पीना स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। एक ग्लास पानी पी चुकी हूँ मैं। पानी इतना पीना है कि आपके हल्क तक आ जाए, मतलब गले तक आ जाए। और हम दो फिंगर्स का यूज़ करेंगे इसको निकालने के लिए। जैसे ही हम फिंगर्स डालें और हमारा पानी प्रेशर के साथ पूरा बाहर आ जाए और हमारा स्टमक जो है पूरी तरह से क्लीन हो जाए। थर्ड, बैठ के ही पानी पीना है जिससे हमारी जो पाइप है बिल्कुल स्ट्रेट रहे, पानी जो है डायरेक्ट हमारे स्टमक में जाए। खाली पेट करना है, बिल्कुल पेट हमारा बिल्कुल खाली होना चाहिए इसके लिए। फोर्थ, मैं चार ग्लास पानी अभी तक पी चुकी हूँ। स्टार्टिंग में आप इतना पानी नहीं पी पाओगे, आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे 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 आप अपनी कैपेसिटी बढ़ा देंगे। पांच ग्लास पानी पी चुकी हूँ मैं। पांच से सात तक पानी आप पी सकते हो, मतलब जब तक आपका गला जो है यहाँ तक पूरा भर ना जाए, ठीक है। मैं छः ग्लास पानी अभी तक पी चुकी हूँ। मेरा गला बिल्कुल भर चुका है, स्टमक बिल्कुल भर चुका है। अब हम क्रिया का अभ्यास शुरू करेंगे। 90 डिग्री पर खड़े होकर, 90 पर खड़े होंगे घुटनों के बल, और स्टमक का पानी पूरी तरह से निकालेंगे। मैंने पूरा पानी बाहर निकाल दिया है पूरे प्रेशर के साथ,
बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है इससे स्टमक में, एक बार आँखों से पानी भी आता है धीरे धीरे, लेकिन घबराना नहीं है, हमें योग शिक्षक के निर्देशक में करना है अपने अपने। आप प्लीज़ अकेले मत कीजिए अगर आप पहली बार कर रहे हैं, भले हफ्ते में आप 2 से 3 बार ज़रूर करें, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं, पहले हफ्ते में 1 बार करें, जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाए इसको 2 से 3 बार करना स्टार्ट कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन ज़रूर ऑन रखें ताकि नोटिफिकेशन आने वाली आपको मिलती रहे। थैंक यू। इसके बाद आधा घंटा करने के बाद आपको आधा घंटा शवासन में रिलैक्स करना है, कुछ भी खाना पीना नहीं है। ये मेरा योगा रूम है, मैं आपको योगा रूम भी दिखा रही हूँ अपना। ये मैं हूँ। अपने अपने योगा मैट पे जाकर शवासन में रिलैक्स करें। आधा घंटा आप किसी से बात नहीं करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे।